कपूर को बेहद पवित्र माना जाता है। पूजा हो, आरती हो, हवन हो, इसके दौरान कपूर का इस्तेमाल किया जाता है और धार्मिक कार्यों में तो बिना कपूर के सभी कार्य अधूरे माने जाते हैं। कपूर को अगर हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो घर की नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। मैं आपको बता रहा हूं कि कपूर किस प्रकार आपके दुखों को दूर करेगा, सुनिए और सारे उपाय बताऊंगा, तो सभी उपाय आप सुनिए। सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजी में अपने ग्रहों को शांत करने के बहुत बहुत उपाय करते हैं, तो कपूर से मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूं कि क्रूर से क्रूर ग्रह भी शांत हो जाएंगे। राहु, केतु, शनि, इनके कारण अगर जिंदगी में परेशानियां आ रही हैं, संकट बढ़ रहे हैं, तो आपको कपूर से जुड़ा यह उपाय जरूर करना चाहिए। हर रोज अपने घर में शाम को कपूर जलाएं, हो सके तो साथ में हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। कपूर की धुनी पूरे घर में दिखाएं। कपूर को जलाना है, इसके साथ साथ आप धुनी से रिलेटेड जो भी सामग्री है इसमें मिला सकते हैं, लेकिन प्रधान इसमें कपूर भी होना चाहिए। अक्सर आप सुनते होंगे कि पितृ दोष से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि पितृ दोष जो है वो कपूर के यूज से एकदम ठीक हो जाएंगे। अगर घर में पितृ दोष की वजह से परेशानियां हो रही हैं, पितृ दोष की वजह से कलेश बने हुए हैं, संतान आपका कहा नहीं मानती है, तो सुबह और शाम घी में कपूर भिगो करके उसे जलाएं। घी यानी कि शुद्ध गाय का घी होना चाहिए, उसे घी में भिगोइए और उसे अग्नि दीजिए, इससे बहुत कुछ ठीक होगा। अब बात करते हैं वास्तु की, कि घर में कई दोष होते हैं तो क्या यह कपूर उन वास्तु दोषों को भी ठीक करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। कपूर को पानी में डाल के पोछा लगाइए। ऐसा करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो दूर हो जाएगी। जगह जगह कपूर रख सकते हैं, चार कोनों में, हर कमरे के चार कोनों में अगर आप किसी भी शनिवार के दिन कपूर रखते हैं तो वहां के वास्तु डिफेक्ट कम होने लगते हैं और नेगेटिव एनर्जी आपको कम सताएगी। अगर बीमारियां आपके घर में पीछा नहीं छोड़ रही हैं तो शिवलिंग पर कपूर चढ़ाएं। भगवान शिव कपूर से बहुत प्रसन्न होते हैं, तो आपने भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए बीमारियां तो चली ही जाएंगी। अब बात करते हैं रिश्तों की, कि अगर आपके वैवाहिक रिश्ते ठीक नहीं हैं तो किसी भी शुक्रवार वाले दिन अपने बेडरूम में कपूर जलाएं। इसमें आप थोड़ी सी पीली सरसों भी डालें, तो ऐसा करने से आपके वैवाहिक रिश्ते मजबूत होने लगेंगे। ओम नमः शिवाय। सब्सक्राइब नाउ फॉर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस बाय डॉक्टर पुनीत चावला।